डीजे भट्ट को लाहौर की मुकामी अदालत में पेश किया गया। डीजे भट्ट ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया है। कहते हैं नहीं मालूम किस केस में पकड़ा गया, मेरे साथ जुल्म व ज्यादती हुई। डीजे भट्ट को लाहौर की मकामी अदालत में पेश किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, फारहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारहान बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजे भट्ट को गुजरात पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था, जिनके खिलाफ नाजायज असला और साउंड एम्पलीफाई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए थे। आज उनको जो कमर जमान है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 मॉडल टाउन में पेश कर दिया गया, और इस वक्त जो वकला और सरकारी वकील है उनके दलाइल एफआईआर के ऊपर जारी है। इस पीटी से गुफ्तगू करते हुए डीजे भट्ट से कहना था उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है, और वो सोए हुए थे जब पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, और अब तक उनको नहीं पता कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया है। जब उनके वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा, अब मुझे वकील ने बताया कि मुझे क्यों हिरासत में लिया गया। उनका कहना था कि वो खान साहब के टारगेट पहले भी थे और अब भी हैं। इस वक्त अदालत के अंदर जमानत के ऊपर दलाइल जारी है। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया आपका।